जब भी घर में कुछ मीठा खाने की बात होती है ना, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को याद आता है मालपुआ, क्योंकि उनको ये मालपुआ बहुत पसंद है। और मालपुआ हमारे गांव में कहा जाता था माल से भरा हुआ मालपुआ, क्योंकि हम इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, तो उसी को कहते हैं कि माल से भरा हुआ मालपुआ। और मैं आपको बहुत ही अच्छा एकदम झटपट बनने वाला मालपुआ आज बताने वाली हूँ, जो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और आप किसी को भी खिलाओ, खुद खाओ, याद रखोगे कि किसी ने मालपुआ की रेसिपी इतनी आसानी से शेयर की थी। बहुत ही मज़ेदार, एकदम मुंह में खुल जाए स्वाद ऐसा कि कभी ना भूल पाए। तो इतनी मज़ेदार रेसिपी को बिना देरी करते हुए हम फटाफट से शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। और हाँ, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे की रेसिपी मिलेगी आपको, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मालपुआ बनाने के लिए मैंने ले लिया है ढेर सारे बादाम, कुछ छुआड़े, कुछ ढेर सारे काजू जो मुझे बहुत पसंद है, तो काजू मैंने यहाँ पर थोड़े ज़्यादा रखे हैं। कुछ मैंने यहाँ पे किशमिश ली है। देखिए भाई, मालपुआ है जैसा कि मैंने कहा, माल से भरा हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स तो ऐड करने ही है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, मालपुआ में हम डालते हैं गड़ी, पर मेरे घर में गड़ी स्पेशली मुझे ही नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं ऐड करती। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लेंगे कटोरी के अंदाजे से, आपको मैं सारा चीज़ बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया एक कटोरी, उसी कटोरी से आधा कटोरी मैंने लिया रवा। और जैसा कि आप देख रहे हो, सारी चीज़ों को मैं चाल रही हूँ, क्योंकि कोई भी गुठली या कोई भी कुछ भी दाना कचरा कुछ भी दुकान से हम लाते हैं, हल्का फुल्का कभी ना कभी आ ही जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना रहे, इसीलिए आप इसको चाल लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, उसी बैटर में हम डालेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी के करीब शक्कर भी लिया था, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी छुआड़ा कटे हुए, किशमिश, काजू और बादाम। सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है, किशमिश को मैंने कट नहीं किया है, किशमिश बस मैंने बीच में से उसको किसी किसी को दो टुकड़े किए, कोई कोई पूरे अखे ही हैं। तो इस तरीके से मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट किया था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं ड्राई मिक्स कर रही हूँ दोस्तों, पर आपको अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्या वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे ही आप मैदा और रवा लीजिए, तो दूध डालकर उसका एक बैटर बना लीजिए। अगर आपको आदत नहीं होगी तो ये गुठलियाँ बन सकती है और आप उनको लेकर परेशान हो सकते हो, इसीलिए पहले आप जो मैदा और रवा है उसको दूध के साथ मिक्स कर लीजिए, फिर आप उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके फिर एक बार मिक्स कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैं यहाँ पे मालपुआ काफ़ी टाइम बनाती हूँ, काफ़ी बार बनाई हूँ, और मैं ना गेहूँ के आटे से भी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना इस तरीके से मैंने देखे घोल लिया है, और मुझे आदत है इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। आप देख सकते हो गुठलियाँ एक भी नहीं है, बहुत अच्छे से मैदा और रवा मिक्स हो गया है, और हमने दूध इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि दूध से ही इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, एक भी गुठली आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वही आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, और बाकी गुठलियों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया। और मुझे ना जो विस्कर होता है वो सब की भी आदत है, लेकिन मुझे ना ये पलटा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इजी लगता है, इससे मैं फटाफट से फेंट लेती हूँ और अच्छे से जल्दी से मैं अपना बैटर जो है वो तैयार कर लेती हूँ, इसीलिए मैं पलटे की मदद से कर रही हूँ, ये चम्मच की मदद से बड़े वाले। आप चाहें तो, आपने मुझे देखा होगा, मैं जो विस्कर है वो मैं कुछ ही वीडियो में यूज़ करती हूँ, हर वीडियो में नहीं, बिकॉज मुझे आदत इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपका बैटर है ना प्लेट्स बन के गिरना चाहिए, देखिए ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बार बार जूम करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बैटर ऐसा बनाना है।
और आपको एक बात बता दूँ, इस बैटर को बना के आप तुरंत मालपुआ नहीं छानिए, आपके पास जितना समय हो आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, इसको अच्छी तरीके से फूलने के लिए रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक घंटे बाद इस बैटर को खोला है और अब देखिए मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो बैटर हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, तो मैं उसमें डाल दूँगी ये बैटर। आपको बैटर कैसे डालना है पता है, एक साइड से आपको बस पलटे को छोड़ना है, कलछुल को छोड़ना है ताकि वो गोल शेप में आए। अगर गोल शेप में नहीं आए तो आप साइड से थोड़ा और भी बैटर गिरा सकते हो, कोई बात नहीं, वो सब इकट्ठा होके गोल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए तेल को ऊपर छिड़कते हुए आपको इस तरीके से इसको अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से देखिए बिल्कुल फुला फुला मालपुआ हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो सारे मालपुओं को इसी तरीके से मैं फ्राई करूँगी और ये देखिए कितना अच्छे तरीके से फूल गया है। और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है आप चलनी में हल्का हल्का सा प्रेस करके निकाल लीजिए, आपकी मालपुआ बनकर तैयार है। है ना बिल्कुल आसान, है ना बिल्कुल इजी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये मालपुआ की रेसिपी, ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मेरी इस रेसिपी को शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और मुझे कमेंट करते रहिएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, मुझे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं और वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं रेडी करने लगी हूँ हस्बैंड की थाली। उनकी फेवरेट दाल बनाई है सहजन वाली, उसके बाद मैंने उनका फेवरेट करेले का भुजिया बनाया है और साथ ही मैंने जो उनके लिए बनाया है मालपुआ वो रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मेरी रोटी और मेरी थाली तैयार। फिर मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।